सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं एक बड़ा वर्क करने के लिए, जो कि जो है प्रियांशु की लाइफ का सबसे बड़ा वर्क होने वाला है, और इवन शायद आयुष की लाइफ का भी। तो हम लोग आज जाने वाले हैं महादेव जी की एक बड़ी सी मूर्ति को जो है कलर करने। तो अपन चलते हैं, ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, ब्लॉग में बने रहे, मिलते हैं। तो गाइज हम लोग घर से निकल रहे हैं, हमने सारा सामान जो है रख लिया है, मैंने जो है ट्राईपॉड वगैरह रख लिए हैं, और पर यार हमें जो है मतलब ये जो है एक प्रोफेशनल शूट रहेगा, तो हमने प्रोफेशनली हमारे भोपाल में जो सबसे अच्छे कैमरामैन है संजय स्मार्टी, उनको बुलाया है। भाई के पास वैसे टाइम बिल्कुल नहीं था, पर भाई टाइम मैनेज करके हमारे लिए आ रहा है, तो हम जल्दी से चलते हैं और रेडी करके रखते हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत सारा हो गया, लगभग 1 बज रही है, और धूप यार बहुत तेज है, और वो जो मूर्ति है वो भी जो है आउटडोर में। तो गाइस हम आ चुके हैं लोकेशन पे, ये है हमारा राजराजेश्वरी मंदिर, जो कि हमारे मोहल्ले में ही है मिड में, और ये जो है हमारे मोहल्ले की शान है। और क्यों शान है मैं आपको बताता हूँ, ये शान हमारे मोहल्ले की शान है हमारे प्यारे महादेव की वजह से। गाइस ये जो मूर्ति है, ये वाली मूर्ति, ये बहुत सुंदर मूर्ति है। इस पर देखो अभी अभी काम चल रहा है, मैं आपको काम दिखाता हूँ, काम कर रहा है प्रियांशु और हमारा आयुष काम कर रहा है, क्योंकि हम इस पर एक ही कलर करने वाले, तो सबसे पहले जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं उनको जो है टेप से कवर कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे जो है प्रियांशु और आयुष दोनों ही जो है कवरिंग करने में लगे हुए हैं। तो गाइज सब चीज़ तो हमने रख लिया, पर हमारा जो मेन है जिससे हम कलर करेंगे कंप्रेशर, वो कंप्रेशर जो है अभी तक जो है नीचे ही है, तो उसको चढ़ाने के लिए विपिन भाई को हमने बुलाया है, और विपिन भाई हमें कंप्रेशर देने वाले हैं, और पंडित जी यहाँ पर रस्सियों की जुगाड़ कर रहे हैं ताकि हम कंप्रेशर को बांध के ऊपर खींच सकें। यहाँ पंडित जी और विपिन भाई की पूरी मेहनत, बाद में मैं खींच लूँगा। ये रहा हमारा कंप्रेशर, जो कि छोटा सा है, पर ये हमारा काम कर देगा। तो गाइस हमने जो है हमारा कंप्रेशर चालू कर दिया है, हमारा छोटा सा कंप्रेशर, और ये गन जो है हम नहीं लेकर आए, जो कि न्यू वर्क। तो गाइज हमने जो है अभी मूर्ति खींच ली है, और मूर्ति खींचने के बाद यार मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है, पूरा हाथ बाग वाइट हो गए हैं, और प्रियांशु भी काम कर रहा है, आयुष ने अभी जो है मशीन सेट कर दी है, और अभी जो है यार कलर गलत आ गया है। तो ये कलर भी अच्छा है वैसे, बट अभी हमें जो है रॉयल का कलर चाहिए, ताकि जो है मूर्ति पर लॉन्ग लास्टिंग कलर बना रहे। तो अपन जाते हैं जल्दी से, मैं आयुष के साथ जा रहा हूँ और लेकर आता हूँ रॉयल का गोल्डन कलर, जो कि बहुत अच्छा कलर होता है। तो गाइज आ गए हम दुकान पर, चलो निकालो गाड़ी निकालो। तो गाइज ये है काजी गेम पे बहुत भीड़ होती है यार, और आज तो धूप भी बहुत है। ये पीपल्स हॉस्पिटल हुआ करता था, जिसको विशाल मेगामार्ट बना दिया है। ये स्कॉर्पियो। तो गाइज आ चुके हैं हम मंदिर पर, हमारे साथ है अभी भोपाल के फेमस वीडियो शूटर संजय स्मार्टी भाई, इनके काम आप पहले भी देख चुके हैं हमारे मेन चैनल पे, जो भी बड़े वाला वीडियो था लोकेश भाई का, वो भी जो है संजय भाई का ही वीडियो हमने बोरो करा था। तो संजय भाई शूट करने वाले ड्रोन से, और संजय का काम देखिए कैसा लग करते हैं। आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला। तो अभी हम जो है भोलेनाथ पे कलर डाल चुके हैं, आपने देखा, मैं आपको भोलेनाथ का सीन दिखाता हूँ, क्योंकि कलर डालने के बाद थोड़ी देर तक जो है कलर सूखता है, प्रेफर हम ऊपर से कलर जब फेंकते हैं ना, तो पूरा कलर सही से नहीं आ पाता, ऐसा हो गया है। और अभी आयुष जो है मेन येलो कलर फर्स्ट कोट जो रहेगा वो बना रहा है, हम जल्दी से फर्स्ट कोट करेंगे, और इसके बाद फिर जो है आगे का काम चालू करेंगे। तो गाइस देखिए ये फर्स्ट कोट होने के बाद ऐसे लग रहा है, और फाइनल कोट होने के बाद आप देखिएगा कैसे लग रहे हैं। गाइज हमने जो है लगभग आधी मूर्ति जो है गोल्डन पेंट कर दी, और हमारा कलर ख़त्म हो गया है। तो हमारे कलर लेने के लिए भेजा था किसी को, और कलर हमें मिला नहीं, 1 लीटर का डब्बा रॉयल गोल्ड का जो हम लेकर आए थे दिन में, अभी हमें मिला है छोटे छोटे डब्बे, जो कि 200 ml के। तो अंकल ने भी 5 डब्बे मंगा के दिए हैं मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा कलर हम आगे यूज़ करने वाले। देखो गाइज हम लेकर आए हैं ये वाले डब्बे, एंशिएंट रॉयल इमल्शन के 250 ग्राम के डब्बे। तो ये कलर हम प्रीवियसली भी यूज़ कर चुके हैं,
मतलब ये इस साइज का कलर हम यूज़ कर चुके हैं खाटू श्याम बाबा में। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा डार्क आता है। अब मूर्ति तो हमने पूरी कर ली है, बाकी एरिया में लगा के देखते हैं कि कैसा आ रहा है। शिवजी की मूर्ति बहुत बड़ी, अभी हम आँखें बनाना चालू कर रहे हैं। तो आँखें बनाने के लिए हमें शिवजी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। वैसे सीमेंट की मूर्ति जो कि बहुत पक्की है, उसके ऊपर आप चढ़ सकते हो। तेरे नाम की ज्योत ने सारा लिया था मस मेरा।